हाय गाइज, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और फिर से एक बार लेकर आ गई हूँ बिग बॉस 17 की लाइव फीड अपडेट। जी हाँ, अभी खबरें ये आ रही थी कि बर्तन गंदे होने पर यू नो कंटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आ गए हैं। सो आपको हम डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। बिग बॉस के घर में इतने लोग होते हैं, सबके अलग अलग सजेशंस होते हैं और सब अपने अपने सजेशंस देते जरूर है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता है। वही बात करें कल के एपिसोड की, तो कल के एपिसोड में नील ने चिल्लाते हुए कंटेस्टेंट से कहा था, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलने दीजिए। और जब उन्होंने बोलना चाहा और उन्होंने जब कहा, तो उन्होंने ये कहा कि सब अपनी अपनी कप्स एंड प्लेट्स वॉश करेंगे, जिसके बाद आज ये नतीजा सामने आ रहा है। नील, ये हर सीजन सब कंटेस्टेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन इस घर में सब आप जैसे नहीं होते, ये एक्टर्स है, इनके खुद के कप्स और प्लेट्स इनकी खुद की मेड्स वॉश करती है, ये खुद कभी अपना सेल्फ सर्विस नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पर आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। एनीवेज, बात करते हैं आज के लाइव फीड की। तो आज के लाइव फीड में जो गंदे बर्तन पर हो गया है झगड़ा, क्यों हुआ है आखिर झगड़ा, आपको बता दे है, जिगना ने खानजादी से कहा था ये गंदे बर्तन वॉश करने के लिए, जिसके बाद खानजादी ने वो गंदे बर्तन वॉश कर लिए। उसके बाद ये जो झगड़ा शुरू हुआ, अंकिता ने ये पॉइंट रेस किया, ये गंदे बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, ईशा ने पॉइंट रेस किया और साथ ही में अरुण भी वहां पर खड़े थे, अनुराग भी खड़े थे, इन सभी लोगों ने वहां पर खड़े रहकर ये पॉइंट रेस किया। और अरुण ने नावेद को बुलाकर ये पूछा कि उन्होंने आपको कप वॉश करने दिया था, तो क्या आपने वो कप वॉश किया? तो वही नावेद कहते हैं, जी हाँ, मैंने वो कप वॉश करके रख दिया है, ये गंदे बर्तन मेरे रखे हुए नहीं है। वह इसी बात को लेकर वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया कि ये गंदे बर्तन आखिर किसने रखा है और ये गंदे बर्तन आखिर किसके हैं। वही बात करें नील की, तो नील इस पूरी फाइट में जिसने ये एडवाइस दिया था इन कंटेस्टेंट्स को, ये पूरी फाइट में वो पूरी फाइट में नहीं सामने आए और ना ही तो वो पूरी फाइट में इन्वॉल्व थे। आखिर ये बर्तन गंदे किसने यहाँ पर रखा है, ये तो उनकी अभी टॉपिक ही नहीं रही, बस ये एडवाइस देकर निकल चुके हैं। घर में एक चिंगारी छोड़ना बस काम था। और कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि नील जो सबके लिए बोलते हैं और जो मुनव्वर के लिए कहते हैं और जो विकी के लिए कहते हैं कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, नील आप ऐसी चीजें एडवाइस देते हो, ऐसे सजेशंस देते हो जो घर में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। मुद्दा तो कुछ नहीं है, बर्तन एक गंदा पड़ा हुआ है, कोई भी वॉश कर सकता है, लेकिन नील के मुद्दे, नील के सजेशंस जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस कम अक्कल वाले कंटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाइयां करवा देता है। वेल, नई बात तो सुनिए, ये है कि अब ये गंदे बर्तन यहाँ पर कौन रख रहा है, कौन नहीं धो रहा है, कौन धो रहा है, इन सब को मॉनिटर करने के लिए एक कंटेस्टेंट वहां पर रखी जाएगा। अब वो कंटेस्टेंट्स कहाँ से और कौन से रूम से होगा, ये भी आपको बताते हैं। ये कंटेस्टेंट जो होगा वो दिमाग वाले रूम का कंटेस्टेंट होगा, जो मॉनिटर करेगा कि कौन गंदे बर्तन धो रहा है और कौन नहीं धो रहा है, कौन अपनी प्लेट वॉश कर रहा है, कौन अपने कप्स वॉश कर रहा है, ये सब चीजें मॉनिटर करने के लिए वहां पर एक कंटेस्टेंट को रखा जाएगा, कंटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग, ना ही तो बिग बॉस के अकॉर्डिंग। वेल, अभी तक बिग बॉस के घर में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है जो लड़ाई के लायक हो, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाना, ये कंटेस्टेंट बहुत माहिर है इन छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाने में। वेल, आप इस बर्तन की ड्यूटी को लेकर, वेल, आप इस बर्तन की झगड़े को लेकर क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम सब्सक्राइब करना ना भूलें।